सरपंच यूनियन के पदाधिकारी आज अपनी मांगों को लेकर इंद्री के बीजीपीओ कार्यालय में धरने पर बैठे और अनशन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे सरपंचों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने की अध्यक्षता कुसगढ़ गांव के सरपंच नातीराम कंबोज ने की। प्रदर्शन कर रहे सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं किया तो सरपंच सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने पर विवश हो जाएंगे। धरने पर सरपंचों का समर्थन करने के लिए कई सियासी दलों के नेता भी मौजूद रहे। आज हम चार सरपंच आमरण बोर्ड द्वारा बैठे हैं और इधर हमारा जारी रहेगा। सरकार की गलत नीतियों के कारण हम सरपंचों को भी विरोध करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल पंचायत विरोधी हैं, पंचायत के बिल्कुल खिलाफ हैं। वित्त मंत्री का जो बयान है वो बिल्कुल सरासर गलत है। वित्त मंत्री सरपंचों को ही चोर बता रहे हैं। सरकार कहना चाहती है पहले पारदर्शिता थी, एक साफ सुथरा छवि का आदमी हमें सरपंची है, लेकिन सरकार धक्के से हमको चोर बना रही है। ये सरकार की गलत नीति है। कल सरपंच ने सभी ने मिलजुल के एक निर्णय लिया है स्टेट लेवल पे कि किसी भी सत्तासीन पार्टी का किसी भी व्यक्ति को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। वह उनका किसी कोई भी सरपंच किसी तरह का किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। जैसे कि कल एक हमारे वित्त मंत्री ने बयान दिया है कि सरपंच चोर हैं, तो उसके वजह में ऐसा निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री खुद जानते हैं कि सरपंचों को अब तक उन्हें क्या दिया है, उनके उन्हें पता है सरपंचों का हमने आज तक कितना फंड वितरित किया है। वित्त मंत्री इसको इस चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान है। सरपंचों का आज तक कुछ नहीं मिला। गांव वाले लोग ना कभी अब तक किसी को ग्रांट गांव के किसी भी व्यक्ति को मकान के लिए कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने।